भागलपुर में सृजन घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उन्हें फरार घोषित कर स्थायी वारंट जारी कर दिया है। सृजन घोटाला की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने अरबों रुपए के सृजन घोटाला में सेवानिवृत्त आईएएस केपी रमैया, अमित कुमार व रजनी प्रिया को फरार दिखाते हुए गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने मामले के अनुसंधानकर्ता की तरफ से कुर्की प्रक्रिया की रिपोर्ट पर और जांच करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए अनुसंधानकर्ता के खिलाफ सीबीआई, एसपी व आईजी को पत्र लिखा है। कोर्ट ने सीबीआई को तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में विफल रहने और केपी रमैया की संपत्ति की कुर्की जब्ती करने की रिपोर्ट में लिखा कि वे अपनी अचल संपत्तियों को स्थानांतरित कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीबीआई ने अनुसंधान के पश्चात इस मामले में कुल 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें से 13 अभियुक्त जेल में बंद हैं और बाकी अभियुक्तों को जमानत मिली हुई है। भागलपुर में सृजन घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उन्हें फरार घोषित कर स्थायी वारंट जारी कर दिया है। सृजन घोटाला की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने अरबों रुपए के सृजन घोटाला में सेवानिवृत्त आईएएस केपी रमैया, अमित कुमार व रजनी प्रिया को फरार दिखाते हुए गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने मामले के अनुसंधानकर्ता की तरफ से कुर्की प्रक्रिया की रिपोर्ट पर और जांच करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए अनुसंधानकर्ता के खिलाफ सीबीआई, एसपी व आईजी को पत्र लिखा है। कोर्ट ने सीबीआई को तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में विफल रहने और केपी रमैया की संपत्ति की कुर्की जब्ती करने की रिपोर्ट में लिखा कि वे अपनी अचल संपत्तियों को स्थानांतरित कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीबीआई ने अनुसंधान के पश्चात इस मामले में कुल 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें से 13 अभियुक्त जेल में बंद हैं और बाकी अभियुक्तों को जमानत मिली हुई है।